तीन बैक टू बैक गानों के बाद मैं हूं अनिमेश अविनाश ग्रुप सलाम रायपुर में इस वक्त यानी कि 10:34 पे यही सोच रहा हूं कि यार ये स्वाइन फ्लू के मामले कितने बढ़ रहे हैं। okay, हमारे साथ श्री संकल्प हॉस्पिटल से डॉक्टर वर्षा हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे पता करें कि ये फ्लू नहीं स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू में ऐसे होता है कि पहले जैसे वायरल वाले सिम्टम्स होते हैं वैसे रहता है जी। जैसे फीवर आना जरूरी नहीं है जी। सर्दी, जनरलाइज्ड मतलब थकावट लगना, पूरे शरीर में बॉडी पेन होना, कुछ खाने का मन नहीं करना है, किसी किसी पेशेंट्स को लूज मोशंस भी होते हैं जी। ये सब चीजें अपन थोड़ी इग्नोर कर देते हैं। और जब ये सारे सिम्टम्स किसी भी पेशेंट को कम से कम 3-4 दिन रहती ही है, जब उनकी अचानक से सांस फूलना शुरू हो जाती है जी। और अपन पेशेंट्स लोग डॉक्टर्स के पास तभी आते हैं जब उनकी सांस फूलने लगती है और जब सिचुएशन ज्यादा हो। हाँ, डेफिनेटली एक बार अगर निमोनिया फैल जाता है जी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स के लिए। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक नागरिक को तुरंत इंश्योर करना चाहिए कि वो स्वाइन फ्लू का शिकार होने से बच जाए? 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें, हैंड वॉश, हैंड क्लीनिंग, हैंड हाइजीन। दूसरा है आपको खांसी और ये सब करते वक्त अपने हैंकीज का यूज करना है, और थोड़ा भी वायरल जैसे कुछ लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर्स को जाके मिलना। देखा, जो डॉक्टर वर्षा ने बताया तीनों चीजें बेहतर ढंग से हम जानते हैं, लेकिन क्या इन्हें यूज करते हैं श्योर कीजिएगा।